उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान जारी, 11 जिलों की 58 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दोपहर बाद वोटिंग में आई तेजी, मतदाताओं को की दिखी लंबी कतारें। शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान, मुजफ्फरनगर और बागपत में बंपर वोटिंग। मतदान को लेकर सख्त सुरक्षा, केंद्रीय सुरक्षा बलों की 800 कंपनियां हैं तैनात। पहले चरण में 2.27 करोड़ मतदाता, 623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। पहली बार वोट देने वालों में जबरदस्त उत्साह, बूथ पर आकर किया मताधिकार का इस्तेमाल। मतदाताओं के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट साहिबाबाद, बड़ी संख्या में आ रहे हैं वोटर। बड़ौद के जैन डिग्री कॉलेज में मतदान केंद्र, पहले दौर का मतदान तेज। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, विकास ही बने विचारधारा। अलीगढ़ में कल्याण सिंह के परिवार ने की वोटिंग, कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह अतरौली से उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, लोगों से वोट करने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लोकतंत्र के महायज्ञ का पहला चरण, अमूल्य वोट की आहुति देने का आग्रह। गाजियाबाद के मुरादनगर में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग ने डाला वोट, पत्नी सुधा गर्ग भी साथ। आगरा में बेबी रानी मौर्य ने डाला वोट, सभी 9 सीटों पर जीत का दावा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने गोवर्धन के गिरिराज मंदिर में की पूजा, जीत की जताई उम्मीद। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और करहल से बीजेपी उम्मीदवार वोट देने आए आगरा, मतदान से पहले की पूजा अर्चना। एसपी सिंह बघेल ने कहा, अखिलेश यादव को मैं करहल आने पर कर दूंगा मजबूर। अलीगढ़ में यूपी के मंत्री संदीप सिंह ने डाला वोट, पार्टी की बंपर जीत की उम्मीद। मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप माथुर ने कहा, बाहर से आए उम्मीदवार को नकार देगी जनता। मथुरा में मतदान को लेकर गहमा गहमी, बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण चौधरी ने डाला वोट। पिछले 2 साल में आईआईटी की 10,000 से ज्यादा सीटें खाली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में दी जानकारी। शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, एनआईटी में 8,700 सीटें 2 साल से खाली। आईआईटी के 3,229 पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें खाली, 1,779 सीटें पीएचडी कोर्स के लिए नहीं भर पाई। कोडरमा के मुख्य शहर झुमरी तलैया में अल्ट्रासाउंड संचालकों और दवा दुकानों पर छापा, प्रतिबंधित दवाएं जब्त। चेन्नई में 1.5 साल का बच्चा लापता मिला, बच्चे का नाम है लॉकडाउन। नोएडा में बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने डाला वोट, उम्मीदवार पंकज सिंह उनके साथ थे। अखिलेश यादव का ट्वीट, ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराने का आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों में यथेचित कार्रवाई की जाए। जयंत चौधरी ने भी किया ट्वीट, ईवीएम की खराबी होने की आ रही हैं शिकायतें, लगता है युवा और किसान पूरे गुस्से में दबा रहे हैं बटन। कैराना में बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह परिवार के साथ वोट डालने पहुंची, कहा उनके साथ है कैराना की जनता। हापुड़ में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह, स्ट्रेचर पर आकर किया मतदान। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल शर्मा ने की पूजा अर्चना, चुनाव में जीत की प्रार्थना।
घेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह भी पहुंचे मंदिर मतदान से पहले की पूजा। हापुड़ में बनाया गया पिंक मतदान केंद्र, आदर्श केंद्र को लेकर जबरदस्त उत्साह। मुजफ्फरनगर में 6 सीटों के लिए मतदान, लोगों ने दिन की शुरुआत वोट डालने से की। मेरठ के सरधना में बीजेपी नेता संगीत सोम ने की पूजा, कहा बीजेपी दोहराएगी जीत। यूपी चुनाव में दिखे अजब गजब रंग, बारात जाने से पहले दूल्हे ने किया मतदान। बुलंदशहर में भी बुलेट से मतदान केंद्र पहुंचा, दूल्हा वोट देकर फिर निकली बारात। मेरठ में 110 वर्ष की महिला ने डाला वोट, गोद में लेकर आया था बेटा। मथुरा में भी दिखी लोकतंत्र की ताकत, तीन पहिया साइकिल चलाकर पहुंचा वोट देने वोटर। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के गांव कुराना में लोगों ने किया वोटिंग का बहिष्कार, गांव में है 2500 वोट। नोएडा में बनाए गए हैं 1840 बूथ, 3 विधानसभा सीटों के लिए जबरदस्त वोटिंग। नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा सीट के लिए वोटिंग, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा चुना गया तो मंत्री पद की चाहत नहीं। बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने कहा लोगों के बीच अभी भी मोदी और योगी का जबरदस्त जलवा है। नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने किया मतदान, लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ वोट करो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा अब सरकार बदलने का एक ही विकल्प, मतदान में सबका हार्दिक स्वागत। अलीगढ़ में 7 विधानसभा के लिए वोटिंग, 60 उम्मीदवार हैं मैदान में। अलीगढ़ के कोल क्षेत्र से विधायक अनिल प्राशर ने किया मतदान, लोगों से भी मतदान की अपील। आगरा में बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने डाला वोट, अपनी पार्टी की जीत का दावा। आगरा में यूपी के मंत्री और उम्मीदवार जीएस धर्मेंद्र ने डाला वोट। कैराना में नाहिद हसन की बहन इकरा हसन भी मैदान में, कहा लोगों को मौजूदा सरकार पर विश्वास नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत के गढ़ में भी आज मतदान, कहा योगी जी पर संघ का दबाव। नोएडा में बीजेपी के उम्मीदवार है पंकज सिंह, मताधिकार का किया प्रयोग। बुलंदशहर में बीजेपी सांसद भोला सिंह आए वोट देने, अपनी पार्टी की जीत का भरोसा। कैराना में भी जबरदस्त उत्साह, जोर शोर से मतदान, बांटे जा रहे हैं मास्क भी। कैराना में कुछ ईवीएम्स में गड़बड़ी की शिकायत, डीएम जसजीत कौर ने कहा दुरुस्त हो गई हर गड़बड़ी। मुजफ्फरनगर में मतदान जारी, सुबह कुछ बूथ में आई थी दिक्कत। मथुरा में भी पहले चरण का मतदान जारी, मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। मुरादाबाद में जारी है मतदान, महिलाओं का जत्था पहुंचा वोट देने। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को राहत, जमानत मिली, हाईकोर्ट से मिली जमानत। एसआईटी की चार्जशीट में आशीष मिश्रा का नाम, साजिश के तहत लोगों को कुचलने का आरोप। आशीष मिश्रा के हथियार से फायरिंग की पुष्टि, बैलिस्टिक रिपोर्ट में के आधार पर लगे आरोप।
प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया, नैतिकता का ध्यान रखे सरकार। आर्यन खान ड्रग्स कनेक्शन का मामला, एनसीबी पर लगे करप्शन, मामले की विजिलेंस जांच अब लगभग पूरी।